अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अब तक आपने देखा दोनों परिवारों की रजामंदी से नेहा और अमन की शादी हो जाती है। नेहा अपने घर आती है। अगले दिन अक्कू अमन से मिलने उसके घर जाती है और वहाँ 10 दिन में निकालने की कसम खाई थी, वो तो 5 दिन में घर से ही रन आउट हो गई। उधर नेहा और अमन को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। मिस्टर अमन गोयल स्कूल में टीचर है और आप एक स्टूडेंट, मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड कि आपकी एडमिशन कैंसिल कर दी। अब आगे आज जल्दी आ गए बेटा। अमन अमन हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। माँ आपने कुछ कहा? हम पूछ रहे हैं कि आज जल्दी आ गए। हाँ माँ, वो छुट्टियां चल रही हैं। कब तक हैं छुट्टियां? अभी चल रही हैं, शादी के लिए ली थी। बेटा तुम वापस ज्वाइन कर लो, क्योंकि खाली रहोगे तो बेकार के ख्याल दिमाग में आएंगे। एक बात और कहनी थी तुमसे। हाँ माँ। बेटे शादी में बहुत खर्च हो गया है, अभी वही सब हिसाब किताब कर रहे थे, अब तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ ट्यूशंस ले लो, या फिर प्रिंसिपल सर से कहो कि वो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस दे दें और सब्जेक्ट्स की। बेटा उससे थोड़ी एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी, क्योंकि हमें लगता है कि अब हम शायद नीता की फीस भी ना दे पाए। क्या सोच रहे हो बेटा? हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था, मुझे ट्यूशंस कर लेने चाहिए। वैसे भी कोचिंग क्लासेस में टीचर्स को अच्छे पैसे मिलते हैं। मैं बस अभी फोन कर दूँ। ठीक है बेटा। किसने बुझा दी? अमन, जयंती, गायत्री, बहरे हो गए क्या सब? कहाँ हुई कहाँ सेतानी? सेतानी, अंधेरा, हमें लग रहा है कोई है यहाँ। ताजी पानी। ताजी जी, पूरे घर की बत्ती गई हुई। अरे अमन, ये धड़ाम सी आवाज क्या थी? वो वास्क था। ये कैसे गिरा? कोई तो है कमरे में। माँ जी आपने जेवर वगैरह सब ठीक से रखे हैं ना? हम देख लेते हैं। ए गायत्री, वो तो तिजोरी में है, चाबी हमारे पास है, वो कहाँ जाएंगे? दादी जी कोई आया होगा तो इतनी जल्दी कैसे चला जाए? मैं देखता हूँ। दादी जी यहाँ कोई नहीं है। दादी जी आप फिक्र मत कीजिए, मुझे लगता है कोई चूहा होगा। हाँ हाँ
ये खिड़की बंद करके रखा करो, ये चुहिया या छुचुंदर आवत है। माँ जी कल से हम ध्यान रखेंगे, खिड़की और दरवाजे अपने हाथों से बंद करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। दादी जी अब आप आराम से सो जाइए। हमने भी सबकी नींद खराब कर दी, जाओ सो जाओ भाई, सब सो जाओ। आज रात हम माँ जी के पास यही सो जाते हैं। माँ जी फिर से डर गई तो? गायत्री अब हम चुहिया से डरेंगे क्या? जा सो जाओ। ठीक है माँ जी। तू भी जा, अब हमें लोरी सुना के जाएगी क्या? जल्दी नौकरी मिलना आसान नहीं होगा। अमन तुम तैयार नहीं हुए अभी तक, वक्त देखो क्या हो रहा है। माँ वो छुट्टी। तुम अभी तक छुट्टी पे हो अमन? हमने कहा था ना कि ज्वाइन कर लो, अब जितनी छुट्टियां करोगे उतनी सैलरी कटेगी। माँ मैं प्रिंसिपल साहब से बात करता हूँ। कब करोगे बेटा? बस ब्रेकफास्ट करते ही बात करता हूँ। और हाँ वो ट्यूशन की बात भी कर लेना, जरूरी है। ठीक है माँ। माँ वो दादी जी उठे नहीं अभी तक? शायद उनकी नींद नहीं पूरी हुई अभी तक, पता नहीं रात को इतना क्यों डर गई थी। हाय ऐसा भी क्या सो गए आज हम? करते भी क्या, सारी रात कम वक्त खटका लगा रहा कि अब पता नहीं क्या हो जाए। आई बत्ती भी ऐसे वक्त गुम हुई कि क्या बताएं। हेलो सबने नाश्ता भी कर लिया होगा? जयंती हमारे लिए बादाम वाला दूध ले आ और केसर भी डाल देना उसमें। भांग पी ली क्या सुबह सुबह? जाओ शीशे में अपना शकल देख लो। एक थर के देख कौन के नीचे इस तरह बात करेगी हमसे? नेहा तो पागल है, तू भी पागल हो गई क्या? गायत्री देखना बोर आ गई है ये। माँ जी ये क्या है? क्या ये चेहरे पे क्या हुआ है आपके? देखो आए आए आए। ये किसे किया? हमारे चेहरे पे काले किसने लगा दी? तूने किया है ना, बोल। अरे वाह हम काहे करिए? ज्यादा खी 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 कर रही है ना, तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? हम काहे करिए? चुप, एकदम चुप। हमसे मजाक बहुत महंगा पड़ेगा जयंती। ना ना सीतानी हम तो तुम्हारे कमरे में आवत ही नहीं है। झूठ मत बोल, बहुत पर निकल आए है तेरे, कतर के रख देंगे। अपने हथकंडे हम पे मत आजमा वरना टेटुआ दबा के रख देंगे तेरा। माँ जी ये लीजिए, मुंह पोछ लीजिए अपना। सच्ची में हमने नहीं किया है ये। तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? बहुत हंसी ठिठोली सूझ रही है ना तुझे आजकल। राम राम राम, किसने किया होगा ये? यस काम हो गया। हिटलर दादी कभी किसी को इतना कमजोर मत समझना, आप शेर हो तुम, मैं सवा शेर। अरे बोला ना मुहावरा। अक्कू काम हो गया, दादी जी के चिल्लाने की आवाज आ गई। अच्छा दीदी अब आप वहां मत रुकिए, जल्दी से आ जाइए, कहीं किसी ने आपको देख लिया तो। हाँ हाँ बाय। नेहा तुम यहाँ? हाँ मैं आई थी और अब तुमको देख के जा रही हूँ। नेहा सुनो,
नेहा तुम स्कूल नहीं गई? मैंने स्कूल छोड़ दिया। क्या? छोड़ दिया? मतलब नेहा जिस स्कूल की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हुई थी, तुमने वो पढ़ाई छोड़ दी? ये तुम्हारा सपना था? सारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते ना अमन, और वैसे भी मैं स्कूल में कैसे पढ़ सकती थी? वो स्कूल मुझे चीटर समझता है। उस स्कूल में मैं क्या सीखूंगी जो स्कूल अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करता? खैर जो भी, अच्छा ही हुआ कम से कम तुमने तो सफर नहीं किया। कभी कभी औरों की जरूरत खुद की ड्रीम से बड़ी होती है ना। क्या कह रही हो नेहा, मैं समझा नहीं। तुम्हारी जॉब नहीं छीनी ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारी जॉब छीन लेते, मुझे लगता सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम हैप्पी फॉर यू। मतलब उन्होंने हम दोनों को निकाल दिया? अरे वाह दीदी, आज आप बहुत अच्छे से खाना बना रही है। सब कुछ एकदम क्लीन है, कहीं कोई आटा नहीं गिरा है, बर्तन भी नहीं जला। देखो तो क्या बना रही है, क्या खुशबू है आलू गोभी की। ऑसम दीदी, ऑसम। वैसे आपने इतनी जल्दी सब सीख लिया? तू मक्खन लगाना बंद करेगी? ले बंद तो जाने दी। ये ना अमन की फेवरेट डिश है, एक ही दिन में सीखी थी मैंने कुक बुक से। कोई बात नहीं दीदी, बहुत जल्दी आप चीजों को भी खिला रहे हैं। पता नहीं, पता है, उस घर में मुझसे कुछ ढंग से बनता ही नहीं। दीदी वहां भी बन जाता अगर दादी जी ने सब गड़बड़ नहीं की होती तो। वैसे आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरी वही बड़ी वाली दीदी है। आज वही फीलिंग आ रही जो बचपन में आती थी। बहुत स्वीट है, लेकिन तो मुझे छोटे थे बहुत इरिटेट करती थी। क्या हुआ दीदी, बोलो ना क्या हुआ? पता नहीं आपको, पता नहीं मुझे आजकल क्या हो रहा है। मैं ऐसे हंस रही होती हूँ ना, और हंसते हंसते ऐसा लगता है कि कहीं मेरी हंसी ना अटक जाती है। मैं दीदी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या मन मुझसे सच में बहुत दूर तो नहीं चला जाएगा ना? दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? चीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुझे सच में लगता है मुझसे बहुत प्यार करता है? अगर प्यार करता है तो वो शो क्यों नहीं कर रहा है? मैं अभी घर से आ रही हूँ ना, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि मैं हूं ना हूं उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो इतना कोल्ड हो गया है ना, मैं उसको इतना मिस करती हूँ, मुझे ही नहीं पता कि वो मुझे मिस करता ही नहीं करता। दीदी पता है मुझे क्या लग रहा है, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी टाइम स्पेंड किया ही नहीं है। पहले शादी हुई, फिर ये रस्में, और अब ये बड़ा सा ड्रामा। मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। अब वो नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अकू मुझे ट्रस्ट नहीं करता। मुझे प्यार होता है ना, वहां पे ट्रस्ट भी होता। तुझे पता है उसने क्या बोला? उसने बोला कि शायद ये शादी बहुत बड़ी गलती है। दीदी मुझे ही कुछ करना होगा। आकांक्षा? हाँ आकांक्षा। हाय जीजू, कैसे हैं आप? क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो आकांक्षा। आई नो जीजू कि ये आपका पर्सनल मैटर, लेकिन आप दोनों के बीच में बोलने का मुझे थोड़ा हक तो है, क्योंकि मैंने हमेशा से आप दोनों को मिलाने की कोशिश की है। और क्यों की है पता है? क्योंकि 12 साल बाद दीदी कोमा से आपके लिए वापस आई, और जब दीदी वापस आई तो वो सबसे पहले आपसे मिलना चाहती। आई नो चीजों की जो भी हुआ है
उसकी वजह से आप दोनों बहुत अपसेट हो, लेकिन मैं आप किसी भी बात के जस्टिफिकेशन में नहीं जा रही। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप दोनों को एक बार मिल लेना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व करना चाहिए। हाँ कांक्षा, लेकिन तुम जानती नहीं कि तुम चीजों में, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने बीच में मत आने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको दुख हो कि आप दोनों ने एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का मौका तक नहीं दिया, एक दूसरे से मिलने की कोशिश भी नहीं की। प्लीज जीजू, कल शाम को 5 बजे आप दीदी से मिल लीजिए। क्या नेहा ने तुमसे कहा है कि वो मिलना चाहती है? जीजू, दीदी आपको बहुत मिस कर रही है। हाँ, उनमें बचपना जरूर है, लेकिन वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। उसे कहना कि कल मुझे न्यू कैफे 5 बजे मिले। थैंक यू जीजू, थैंक यू सो मच। शेलो, ओए अब ये क्या कर रहा है अमन? नेहा से मिलने जाएगा, कहीं उसे घर ना ले आए साथ में। इन दोनों के प्यार की बढ़ती डोर को तो तोड़ना ही पड़ेगा। क्या कर रही हैं? कपड़े कबर्ड में रख रही हूँ, अब यही रहना है तो मैंने सिर्फ बैग खाली कर दूँ। नहीं दीदी, अब आपको इस घर में ज्यादा दिन रहने की कोई जरूरत नहीं, बस आप एक बार जीजू से मिल लीजिए, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं मिलूं। क्यों नहीं मिलना? अब जीजू को मिस करती है ना? मैं तो करती हूँ, लेकिन वो नहीं करता ना, और कोई एक बार भी मुझे फोन नहीं किया उसने। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि दादी जी ने ये सब किया है, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं अगर वो आप पे थोड़ा गुस्सा करते। बस आप एक बार जीजू से मिल लीजिए, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। तू नहीं बोला था ना कि नहीं बताना अमन को कुछ भी, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है? फिर ओफो दीदी, कहा था, लेकिन सिर्फ इस रीजन की वजह से आप जीजू से नहीं मिलेंगे। मैं इसे नहीं मिलूंगी आपको, जब तक पूरी बात क्लियर नहीं हो जाती, जब तक मुझे ऐसे रिस्पेक्टफुली घर पे नहीं बुलाते, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। फेयर इनफ। आप एक काम कीजिए, आप जीजू को कहीं बाहर मिली, किसी कैफे में, ना वहाँ जयंती मौसी होगी ना दादी जी, जो कोई तमाशा कर सके। वो नहीं आएगा आपको। दीदी, जीजू ने आपको बुलाया है। हाँ दीदी, जीजू ने मुझसे कहा कि नेहा को कहो कल शाम को मुझे न्यू कैफे में मिले। तूने क्या बोला? मैं क्या बोलूंगी, मैंने हाँ कह दी, क्योंकि मुझे लगता है आपको जीजू से मिलना चाहिए, और जब आप जीजू से मिलोगे ना, तो जीजू को लगेगा कि आप उनकी वही नेहा हो, पहले वाली, जो उन्हें मिस करती है, उनसे मिलना चाहती है और उनसे प्यार करती है। दीदी आप कुछ भी पहन लीजिए, सब में अच्छी लगती है, मुझे नहीं जीजू को। समझ में नहीं आता, प्रिंसिपल सर ने रिजाइन क्यों किया? लगता है उनसे बात करनी पड़ेगी। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर आप बिजी तो नहीं है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मन, मैं तुम्हारा ही फोन एक्सपेक्ट कर रहा था, बोल। सर आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ट्रस्टीज ने आपको रिजाइन करने के लिए क्यों कहा, और आपको जॉब से क्यों निकाला? क्योंकि गलती मेरी थी और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, आपको नहीं। ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है। देखो अमन, ये सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है। प्लानिंग मतलब? मतलब ये कि चौबे सर हमेशा से ये चाहते थे कि वो मुझे प्रिंसिपल की चेयर से हटा दें, पर वो मौका ही ढूंढ रहे थे, कोई ऐसी बात हो जो से वो मेरे अगेंस्ट यूज कर सकें और अपने किसी आदमी को प्रिंसिपल बना सकें। यू डोंट फील बैड, उन्होंने सब कुछ अपनी तरह से मैनिपुलेट किया है। सर ये तो बहुत बुरा हुआ, स्कूल में भी पॉलिटिक्स, सर ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन सर उनको नेहा से क्या दुश्मनी थी? उसने तो चीटिंग भी नहीं की। मैं जानता हूँ, मैं नेहा को तब से जानता हूँ जब वो 12 साल पहले स्कूल में पढ़ती थी। मैंने ट्रस्टीज को कहा भी था कि वो शरारत तो कर सकती है मगर चीटिंग नहीं कर सकती,
उन्होंने सारा इशू ही घुमा दिया। नेहा को जानबूझकर फंसाया गया। सर, दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग। इट्स वेरी शॉकिंग इन फैक्ट। सर, क्या हम कुछ कर सकते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट अमन। सर, मैं इस बारे में सोचता हूँ और आपको दोबारा फोन करता हूँ। बाय, टेक केयर। ये तो बहुत गलत हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। नेहा का ये सपना था और उसको इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा होगा नहीं। नेहा अपनी एजुकेशन पूरी करेगी किसी भी हाल में। हेलो, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हम मिल सकते हैं कल? थैंक यू।